हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड पढ़ाकू। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले फटाफट से एक सेकंड के अंदर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दो, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के अपडेट्स फटाफट से मिलते रहें। देखो, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बताया था कि इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल, बट उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 28 तो स्टेट्स हैं और सबकी कैपिटल्स मैंने आपको बता दी थी। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है? ये उसका फर्दर टॉपिक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप खुद देख लेना, ठीक है? अब शुरू करते हैं वीडियो। नाउ देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है? और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यूनियन टेरिटरीज में क्या अलग होता है, ठीक है? स्टेट से इसमें क्या अलग है, ठीक है? अब देखो, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं ना, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और हर। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसकी देखभाल कौन करता है, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन चेक करता है कि वहाँ पे सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम होता है प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट अब खुद आके तो नहीं करते हैं, तो वो हर एक यूनियन टेरिटरी में एक एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं जो कि अपॉइंट हुआ होता है प्रेसिडेंट से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज में कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है? नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम क्या हैं और उनके कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है? तो साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो देखनी हो आपको हमेशा लाइक वीडियोस में आपके पास ये रिकॉर्ड सेव रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है, बच्चों को स्पेशली ये बहुत पता होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी देखना पड़ेगा एकदम से, जब भी आप भूल जाओ आप वीडियो चलाओ और फटाफट से याद कर लो। नहीं तो अगर आप ये वीडियो रोज़ 3-4 बार भी देखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? नाउ मैं आपको नेम्स बताऊंगी और कैपिटल बताऊंगी। तो जो सबसे पहला नाम है हमारा, जो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी है, वो है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपने इसके बारे में सुना होगा, लोग वेकेशंस पर भी जाते हैं। तो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कोई स्टेट नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, और इसकी कैपिटल होती है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है? क्या कैपिटल है इसकी? पोर्ट ब्लेयर, ओके? नाउ व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, तो उसका थोड़ा लंबा सा नाम है बट आपको इजीली याद हो जाएगा, दैट इज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसके अंदर दो नाम है, आपको ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग की बात हो रही है, बट ये एक ही की बात हो रही है, ठीक है? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज दमन। दोनों की ये एक ही कैपिटल है और ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है? तो इसकी कैपिटल क्या हो गई आपकी? दमन। नाउ व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, ये हमारी है द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। किसकी है ये? द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये एक यूनियन टेरिटरी है। देखो, दिल्ली एक स्टेट है बट इसके अलावा दिल्ली आपकी कैपिटल भी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि आप यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखोगे, तो इसकी यूनियन टेरिटरी हो गई द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ दिल्ली, ठीक है? तो इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी क्या है? दिल्ली ही है, ओके? नाउ वी विल कम टू द फोर्थ यूनियन टेरिटरी।
आई होप आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो पे बहुत सारा प्यार बरसा रहे हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर. सो जम्मू एंड कश्मीर इज़ आर फोर्थ यूनियन टेरिटरी और उसकी जो कैपिटल है, देखो इसमें एक स्पेशल फीचर है, श्रीनगर है जो, ये इसकी कैपिटल होती है समर में. जब गर्मियाँ होती हैं तो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल होती है श्रीनगर, जब सर्दियाँ होती हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होती है जम्मू. ठीक है, तो ये एक बात आपको थोड़ी सी नोट करके रखनी है. अब हम फिफ्थ पे आते हैं, तो हमारी जो फिफ्थ यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख. किसको लद्दाख जाना पसंद नहीं है? सबको लद्दाख जाना बहुत पसंद है. लोग बाइक ट्रिप्स पे जाते हैं, लोग वेकेशंस पे जाते हैं, बट लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और उसके साथ में चाइना का बॉर्डर भी लगता है और उसकी कैपिटल लेह है. हम बोलते हैं ना लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो लेह इज़ द कैपिटल. नाउ जो सिक्स यूनियन टेरिटरी है वो बहुत स्पेशल है बिकॉज ये दो स्टेट्स की कैपिटल भी है और एक ये यूनियन टेरिटरी भी है. तो ये इकलौती ऐसी वर्ड है, एक ऐसा नाम है जो दो का कैपिटल ऑलरेडी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है, दैट इज़ चंडीगढ़. तो जो आपका हरियाणा और पंजाब है उसकी कैपिटल तो है ही चंडीगढ़, और अपनी भी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है चंडीगढ़. सेवन्थ यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है आपकी कवरारती. ठीक है, कवरारती, कवरारती, जो भी आप बोलते हो. एट्थ यूनियन टेरिटरी इज पुडुचेरी. सो पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको ऐसी और डिटेल्स चाहिए हो, तो आप हमेशा के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें.